खबर मेरठ से है, जहां पर एक ऐसा शख्स भी है जिसने नायाब तरीका ढूंढा है पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि देने का। जी हां, शामली का निवासी एक युवक विजय राष्ट्रवादी, जिसने 14 फरवरी 2019 के दिन को काला दिवस कहकर पुकारा और युवाओं को संदेश दिया कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे नहीं बल्कि काला दिवस। सिर्फ कैंडल मार्च से ही नहीं बल्कि इन शहीदों को उसने अलग से एक अलग तरह की श्रद्धांजलि देने की बात कही, अपने शरीर पर इनका नाम गुदवाकर। दरअसल विजय राष्ट्रवादी एक यात्रा पर निकले हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि वो मुजफ्फरनगर जाएंगे और अब शनिवार को मेरठ से होते हुए शहीद अजय कुमार के गांव जाएंगे, फिर शामली। इन शहीदों के घर जाकर वे उनके परिवार वालों से मुलाकात करने वाले हैं। देश को ऐसा संदेश दिया है कि ताउम्र इन शहीदों को याद रखा जाए। इन नामों को गुदवाने को लेकर विजय राष्ट्रवादी का क्या कहना है, आइए सुनवाते हैं। नाम बता दीजिए। विजय राष्ट्रवादी। विजय जी, एक नाम लिखवाए हैं आपने कमर पे, किस किस के नाम लिखे हैं और क्या उसके पीछे संदेश देना चाहते? जी, मैंने जो नाम लिखवाए अपने शहीद भाइयों के लिखवाए हैं, जो पुलवामा में घटना हुई है। अभी 14 तारीख में वैलेंटाइन डे मना रहे थे हमारे देश के युवा, लेकिन मैं चाहता हूँ ये वैलेंटाइन डे नहीं है, ये हमारे लिए काला दिन है। और ये मैंने पीठ पर जो नाम गुदवाए हैं, कुछ लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, पुतला फूंक रहे हैं, उससे याद नहीं बनती है, उससे श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होती है। मैं जब तक जीऊँगा, चाहे मेरी उम्र 1 साल हो, चाहे मेरी उम्र 100 साल हो, जब तक मैं जीऊँगा तब तक मेरे भाई ये मेरे साथ रहेंगे और इनका बोझ मैं अपनी पीठ पर लेकर चलता रहूँगा पूरी जिंदगी। कुल मैंने 82 नाम लिखवाए अपनी पीठ पर। एक अलग तरीके से मकसद देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते? ये युवाओं को संदेश देना चाहते हैं, जागरूक करने चाहते हैं। सभी देश के युवाओं से हमारी अपील है, देश के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाओ, ना कि लड़की के पीछे भागो, ना दारू के पीछे भागो। हमारा यही संदेश है कि आप देश के प्रति जागरूक रहो। कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? जी, आज हम मुजफ्फरनगर से आए हैं और कल हमारी यात्रा अपने बाहरसी गाँव शामली से होते हुए अमित जी और प्रदीप जी के घर पर होते हुए और मुजफ्फरनगर होते हुए आज मेरठ पहुँची है और अब टीकरी में जाएंगे। टीकरी बसा पड़ता है मेरठ में, अजय जी के यहाँ। जी, शहीद जो अजय जी हुए हैं उनके यहाँ पे जाएंगे, जो पुलवामा में हमने व्यस्त है। मैं इनको जिंदगी भर नहीं भूलना चाहता इस हादसे को। तो आप कैसे आए हो यहाँ मेरठ? जी भाई, बस आया हूँ। कल मुजफ्फरनगर था कार्यक्रम। एक अलग तरीके से आपने मुझे नाम, हमारे अजय जी शहीद हुए हैं, उनके परिवार से मिलने कोट और अपना कारगिल और पुलवामा हमला जो हुआ था उन सभी के ये नाम है। बहरहाल पुलवामा हमले ने युवाओं को देश के करीब ला दिया है। अब हर युवा देश के दुश्मनों के विरुद्ध खड़ा है और इन शहीदों के साथ भी। मेरठ से आलम सिद्दीकी की रिपोर्ट, हेडलाइन सज्जन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।